मैं लाहौर का कोई जुआ कोई खाना कोई नहीं है कि महला कोई लगावा छड़िया हो तो मैं 65,000 रुपया उस दिन आ रहा वहाँ तो मैं दिल सोच रहा कि साबर साहब तेरा पुत्र नहीं फोदा फोद मैं आया वहाँ के 65,000 रुपया मैं आ रहा वहाँ मैं कहना वहाँ कि किसी मुल्क चीज बुराई नहीं होगी जुआ बंद हो तो बुराई हो नहीं सकती जेड़ा जुआ है ना जुआ रहा दो तेरे को 20 लाख भी है ना वो भी थोड़ा है 80,000 रुपया जिते हैं उठे हैं तो थले उतरन लग पे हैं तो फिर असं दोबारा फिर खेडे हैं और सारा कोई हार गए हैं एक मकान मैं बेचा 2 लाख का इस टाइम वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हाँ एक मैं बेचा 60,000 रुपए का इस टाइम समझ लिया कि वो 3 करोड़ रुपए का है। नाजरीन नशा कई किस्म का होता है, एक तो नशा आइस का होता है पाउडर का होता है और एक नशा जो है सबसे बड़ा नशा वो है पैसों का नशा यानी कि जुए का नशा। ये खान साहब भाई ने तकरीबन जुए में इतना नुकसान कर चुके हैं, ये करोड़ों रुपया हार चुके हैं लेकिन अभी भी इन्होंने तौबा कर ली जुए से और कह दी है और आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं जो जुआरी हैं बड़े बड़े और जो जुआ खेलते हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जुआ जो है सबसे बड़ी लानत है और सबसे बड़ी लालच है, इससे दूर रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया। अच्छा थोड़ा सा बताएं जुए में कितना पैसा आप हारे हैं और जुए से जरी रात से अपने को भी आ रहे हैं जरी कमाइया से वो भी हार गए हैं तो मकान कोई 5 मकान में आ रहे हैं वहाँ 5 मकान एक मकान लगभग कितने का होगा? कोई 30 साल पुरानी गल है, 30 साल तकरीबन। हाँ। एक मकान मैं बेचा 3 लाख का, एक मकान मैं बेचा 2 लाख का। इस टाइम वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हाँ एक मैं बेचा 60,000 रुपए का, इस टाइम समझ लिया कि वो 3 करोड़ रुपए का है एक मकान। फिर रानाडोन केनाल जगह बेची है, फिर 10 महल जगह रानाडोन बेची है, फिर 10 महल फिर एक 10 महल का, फिर वो 5 मकान बिक गए ने, मुड़ के नकदी भी सारा कुछ ते मुड़ के 2 मकान रह गए ने। ये होता क्या है, लालच होती है? लालच बंदा सोचता कि यार मैं चलो मैं 10,000 रुपया मैं ले आऊँ। आपने शुरू कैसे किया था, जवानी में किया था, किसने लगाया? शुरू मेरा दोस्त ही मलिक बारक का, मेरा दोस्त अले भी है, बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अमीर सी पैटरी वाला सी, बड़ा मालदार पैसे वाला। उन्हें मैंने कहा कि 5,000 पाने तू बा 5,000 मैं पा, भले वक्त की गल है, पुरानी नागली जुआ होंगे सी ते ओदे कोल पुरानी नगली नहीं वासाला बाजार ग्वाल मंडी यानी कि बहुत ना उत्थे गए हैं असी जिते हैं 80,000 रुपया 80,000 रुपया जिते हैं उठे हैं ते थले उतरन लग पे हैं ते फिर असी दोबारा फिर खेडे हैं और सारा कोई हार गए हैं मुड़ के फिर काम चल दो चल शुरू होया कभी जीत जाते थे कितने खेड़ते हैं कुछ भी नहीं जिते हैं नहीं होता ना कि महीने बाद एक बार जिते हैं एक बार महीने बाद जिते हैं इस बार दिन आ रहे हैं ये से हार ही हारेगी बर्बादी की कोई फायदा नहीं है। मैं लाहौर का कोई जुआ कोई खाना कोई नहीं है कि महला कोई लगा मैं छड़िया हो पुराने मतलब पुराने नागली जुआ होंगे सी उत्थे वासाला बाजार उत्थे शाह मीरा में जुआ उत्थे राजगढ़ जुआ उत्थे अल्लाह तेरा भला अजकल निकल आया कसीनो टाइप होता है वो जो दाने फेंकते हैं ऊपर से मशीनरी के जरिए गेमिंग होती है के जरिए जुआ खेला जाता है आजकल तो बड़े नए नस्ल के जुए नहीं नहीं जुआ डिजिटल जुआ हो रहा है आजकल मोबाइल जुए का ना ही हो रहा है जुआ किसी का नाम हुआ किसी का नाम हुआ जुआ खेलना नहीं चाहिए जेडे पुराने जुआरी ने जेडे जुआ पुराने ने पता जुआ की है वह तो हम उन्होंने पता है मेरी यार सुनने ना मेरी गुप्तगो उन्होंने पता है कि सही कह रहे हैं जेडे नवे लगे ने मैं हाथ जोड़ना वा उन्होंने ना जुआ खेडन। अच्छा ये पहले जो बुआ पहले आप पत्ते खेलते थे मन नहीं शुरू तो मैं दाने ना खेडिया दाना होता है हाँ शुरू तो अच्छा शुरू से था काम में करना लेट काम डिजिटल जुआ निकल आया है मोबाइलों पे नौजवान नस्ल जो है ना वो जुआ खेल रही है और डिजिटल यानी कि कॉइंस खरीदारी करती है कॉइंस खरीदते हैं मैं करना वा के खेलना ही नहीं चाहिए जुआ किसे रंग का भी जुआ खेलना नहीं चाहिए इसमें बर्बादी है सिर्फ मैं दाने तो जुआ सुबह मैं कोई नहीं खेडे है मुड़ के एक दिन मैं खेडिया शाहद अफरीदी मेरा समझ लो गए मैं पागल से शाहद अफरीदी के बच्चे वो खेड रहा सी एक बारी मैं जिंदगी से ना मैच का मैं लाया शाहद अफरीदी की हाथर अच्छा क्रिकेट पे भी लगाया था हाँ एक बारी शाहद अफरीदी भी लगता है हाँ क्रिकेट पे तो जाहिर सी बात है बहुत 65,000 रुपया मैं हार गया वहाँ तो वो छदरे छो मतलब शाहद अफरीदी पे क्या लगाया था आपने कली जुट क्या मतलब मुझे सब पता नहीं है जरा ऑडियंस को बताएं कली जुट क्या होता है कली जुट कली आवे या जोड़ा आवे अच्छा एक आएगा या दो आएगा हां कली जुट मैं लाया है अच्छा ते साहब लाओ के मेरा यार हैगा साबर साहब वही मर गया साबर साहब एफआईए दा अफसर सी एफआईए दा ठीक है साबर साहब मेरा यार जी एफआईए वाला सी ओदा पुत्र फोत होया है ते ओने मन फोन कीता हां जी ओ पुत्र मेरा फोत होया 4 बजे जनाजा है ध्यान है ते मैं 65,000 रुपया उस दिन आ रहा हां ते मैं दिल सोच रहा कि साबर साहब
तेरा पुत्र नहीं फोदा, पुत्र फोद तो मैं आ जावा के 65,000 रुपया मैं आ रहा हूँ, मैं जुनाइद भी नहीं गया वो। ओवर पे भी लगता है जो आजकल तो क्रिकेट पे ओवर पे लगता है बॉल, मैं कहना वा कि हर चीज लगता है, हर चीज लगता है। मेरा मकसद हैगा सी पैगाम दे अंदर लोगों को कि सब तो ज्यादा बुराई निकलती जुए चो, सब तो जुआ ना जुआ बंद हो ना नुकसान क्या बुराई नहीं होगी, बुराई नहीं हो, मैं कहना वा कि किसी मुल्क बुराई नहीं होगी, जुआ बंद हो, जुआ बंद हो तो बुराई हो नहीं सकती, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह के हुक्म नाल शुरुआत बुराई जी निकलती ना हथों निकलती अपना जुए तो, जो बंद जुआ खेड़ ना एंड दे सुबह के नाश्ते से पैसा ही 500 रुपया जेब होगा ना, वह भी कहेगा कि मैं शायद ही लड़ जावन, शायद लड़ जावन एंड दे 500 रुपया जो कोल होगा ना 500 भी निकल जाएगा। एक और बात है खान साहब, ये बताएं कि अगर जब बच्चे घर में भूखे बैठे हो, बच्चों ने नाश्ता ना किया हो और एक जुआरी होगा बहुत बड़ा उसके जेब में 1,000 रुपया होगा, वो बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आएगा, मैं जुआ खेल, मैं कहना जुआ खेल मौके दे जुआ खेलता है ना, जुआ खेलेगा कोई भी नहीं, कोई बच्चों के लिए नाश्ता कोई भी नहीं नजर आएगा, जुआ खेलेगा। सब तो बड़ी गल यही कि जुआ जरा ना जुआ अल्लाह ताला को माफी मांगनी चाहिए, जुआ खेलना ही नहीं चाहिए, सब तो वाला दुनिया का अजाब जुआ है, जुए जिन्ना दुनिया का अजाब ही कोई नहीं है, जेड़ा बंदा जुए बछे है बंदा पाग, सब तो वड्डा दुनिया के जरैम जो ना जरैम डिगेडी पहल लैके कतल मनशिया कोई भी जो काम होगा ना जुए शुरू होंगे, जुए से स्टार्ट जेड़ा बंदा जुआरी होगा ना वह कहता कि मजबूर हो कुछ भी करा, कुछ भी करा, कुछ का मतलब ऐसा नशा ही है, कुछ का मतलब कुछ भी कर सकता। हमने तो सुना था आइस और पाउडर का नशा, ये जुआ सबसे बड़ा नशा, पाउडर दे नशा, पाउडर दे पैसों का, पाउडर पाउडर दे आइस दे समझ लो कि 500 रुपये का आइस मिल जाता है, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का मिल जाएगा पाउडर पी लेता है तो कि कोई जेड़ा जुआ है ना जुआ रहा दो तेरे को 20 लाख भी है ना वो भी थोड़ा है तो 20 लाख 5 लाख कम अज कम, कम अज कम 50,000 तेरे को अंदर वड़न देंगे तो 50,000 ना तू कुछ भी कि करेगा। लाहौर में कितने सकने कितने अड्डे होंगे जो है, जो बड़े बड़े जुआरी हैं, जो ऐश टाइम सारे बंद ने पाए, मैं छड़ दिता ना जुआ क्लोज हो गए, पाए मैं जुआ छड़ भी लिया ऐश टाइम सारे बंद ने, साल दो साल कोई हो गया जुआ लाहौर का सारे बंद ने, ऐ नहीं घर च ना कोई माड़े मोटे कंगले कुंगले खेड़ते हो घर बुकिए दो चार, बाकी ऐश टाइम लाहौर देश कोई जुआ नहीं हो रहा दाने वाला, कोई जुआ नहीं हो रहा, कोई जुआ नहीं, किसी क्रिकेट पे लगता है, क्रिकेट पे लगता है तो दाने वाला कोई किधर किसी किस्म नहीं, किधर भी सारा बंद होया लाहौर दा इस टाइम। लो जी वो नौजवान नस्ल आजकल हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे जो है ना इस क्रिकेट पे जुआ पे पैसे लगा रहे हैं, जुआ खेलते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मैं दे मैसेज उन्हें से बनाया है, उन्हें वैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्हों की मेहरबानी है, माँ प्यो भी रुल जाएंगे, खुद भी रुल जाएंगे, ना ना बरादरी चलते रहेगी, ना घर चलते रहेगी, ना खानदान चलते रहेगी, ना बच्चों के सामने चलते रहेगी, ना बुढ़ी के सामने, तो उन्होंने मेहरबानी है कि लालच जी ना सुकी सुकी रोटी खावन, सुकी रोटी खावन, भुख घट देवन, लालच ना करन कि शायद किसी को 5,000 फड़ लिए जुए खेली अपने मेरे को 5,000 रुपया आ गया यार, यह खेड़ते पे नज़र आ रहा जितने है, एक तो नज़र आ रहा जितने है, वह 12 महीना मरे है कि चल यार मैं 5,000 रुपया पागला 5,000 रुपया ला के तू 1,00,000 रुपया जित भी लवेगा, तू 1,00,000 रुपये ना तेरा कुछ कुछ नहीं बनना है, तो जो तू खेड़ शुरू है तू रोज़ खेडेगा तो रोज़ 5,000 रुपया तो गुआएगा, रोज़ आप 5,000 से स्टार्ट लोगे और फिर लाखों पर, फिर लाखों से स्टार्ट लोगे, फिर करोड़ों पे जाओगे आप, लेकिन इसकी बर्बादी है, ये टोटली बर्बादी है, मुस्तकबिल तबाह करना, मुआशरे में अपनी इज्जत तबाह करना, और जुए से जितना भी दूर रह सकते हो तो दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें, खुद भी दूर रहें, क्योंकि जुआ एक बर्बादी है। और बहुत अच्छा मैसेज दिया खान साहब ने, क्योंकि करोड़ों रुपया जो है ना गवा बैठे हैं ये जुए में, और इस टाइम जो है इन्होंने बताया हमें कि जुए से जितना हो सके दूर रहे। अल्लाह हाफिज़।